एक आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है और एक इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। सर डायरेक्ट और इनवर्स में क्या फर्क होता है? डायरेक्ट का मतलब अगर ए बाय बी और सी बाय डी है तो ए बढ़ेगा, मतलब यहां से ए बढ़ेगा तो वहां से सी भी बढ़ेगा। ऐसा है, जैसे एग्जाम्पल दूं सबसे पहला, तो अगर मैं बोलूं अ पर्सन वर्क्स फॉर 5 आवर्स एंड गेट वेजेस एज 350, तो अगर वही पर्सन 8 घंटे काम करेगा तो मुझे बता वेजेस क्या होंगी, बढ़ेंगी कम होंगी? बट ऑब्वियसली बस 5 घंटे काम करेगा इतना, तो 8 घंटे काम करेगा तो वेजेस से अप्रोक्सीमेट बढ़ जाएगी। इसको अपन चाहे तो एक्स मान के सॉल्व कर सकते हैं। और वही पर्सन मतलब अगर यहाँ कुछ बड़ा है, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। और ऑन द कॉन्ट्री अगर वही पर्सन 5 की जगह 2 घंटे काम करेगा तो बताइए यहाँ पे वेजेस बढ़ेंगी कम होंगी? सर कम होंगी। तो एक चीज बढ़ती है, मतलब एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, और पी बढ़ेगा तो एक्स कम होगा तो वाई भी कम होगा। ये तेरे पास कौन सा प्रोपोर्शन है बेटा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो फिर सर इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? जैसे एग्जांपल अगर तू पहले तो अभी इनवर्स करें डायरेक्ट कर, जैसे अगर मैं 5 किलो चावल लूंगा तो बट ऑब्वियस सी बात है अगर लम लोग 200 रुपए के आते हैं तो सर 8 किलो लोगे तो ज्यादा के आएंगे, 2 किलो लोगे तो कम के आएंगे। मतलब सर ऑलमोस्ट एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी, एक चीज कम तो दूसरी चीज भी कम। सर इनवर्स क्या होता है बेटा? इनवर्स होता है कि अगर यहां से एक चीज बढ़ रही है तो वहां से उल्टा दूसरी चीज कम हो जाती है। अब मुझे बताओ पहला बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, मुझे खुद बताओ कि अगर तुम कार की स्पीड बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे? स्पीड बढ़ाओगे तो जहां तक पहुंचना है वहां का टाइम क्या और बढ़ जाएगा? वाओ, मतलब मैं कार पहले 50 की स्पीड पे चला रहा था और जब मैं वहां पहुंचूंगा तो मैं पहले 5 घंटे में पहुंच रहा था, और अगर अब मैंने स्पीड कर ली 60 तो क्या मैं 6 घंटे में पहुंचूंगा कि कम में पहुंचूंगा? सर दिमाग लगाओ, अगर आपकी स्पीड बढ़ गई है तो आपका टाइम क्या लगेगा? कम। तो यहाँ पे आपका सर यहाँ पे एक स्पीड तो बढ़ रही है लेकिन टाइम हो सकता है 4 घंटे हो जाए या कम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो टाइम क्या हो रहा है? कम। इसको बोलते हैं इनवर्स। सर जब मैंने 500 पीपल अपॉइंट करे थे, वर्कर्स अपॉइंट करे थे, तो मेरा घर बन रहा था 200 डेज में। अब मैंने सोचा तो क्यों ना मैं 1000 वर्कर अपॉइंट करूं, तो क्या 1000 वर्कर अपॉइंट कर रहा हूं तो और ज्यादा दिन लगेंगे कि कम दिन लगेंगे? सर देखो यहां से वर्कर बढ़ेंगे तो वहां से डेज क्या लगेंगे? कम लगेंगे। तो सर अगर डेज अप्रोक्सीमेट 100 डेज लगेंगे, तो सर ये कौन सा प्रोपोर्शन है? इनवर्स प्रोपोर्शन। तो बेटा एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, एक क्या होता है? इनवर्स। तो सर हम कैसे पहचाने कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनवर्स है? बेटा अभी इतना तो समझाया, जब एक चीज के बढ़ने से दिल को लगे दूसरी चीज भी बढ़ती है, या एक चीज की कम होने से दूसरी चीज भी क्या होती है? कम। तो कौन सा प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट। अगर एक चीज बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है तो टाइम क्या होगा? कम। अगर स्पीड कम हो रही है तो टाइम क्या होगा? ज्यादा। अगर वर्कर्स बढ़ रहे हैं तो डेज का लगेंगे कम, वर्कर्स कम है तो डेज का लगेंगे ज्यादा। तो इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन। पहले यहां तक मीनिंग समझ में आया क्या? ठीक है बेटा।